हेलो, आपको क्या लगता है कि खानजादी का इविक्शन फेयर है या अनफेयर है? बिल्कुल फेयर है। खानजादी बिग बॉस के घर में बहुत बार बोल चुकी है कि उन्हें घर जाना है, घर जाना है। तो अब टाइम आ गया, उन्हें घर जाने को मिल गया मौका। बिग बॉस के घर में एक अपनी पर्सनालिटी दिखाने का मौका मिलता है, पर उन्होंने पहले तो उनका एक हेल्थ वाला पूरा चला, पूरे मतलब जितने भी हफ्ते हैं ना, हर हफ्ते में उनका हेल्थ को लेकर कोई ना कोई इशू होता था। फिर उन्होंने अभिषेक के साथ लव ट्राइंगल बनाने की कोशिश की। उनको पता है जबकि कि अभिषेक के मन में सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या है, उसके बावजूद भी वो अभिषेक के साथ यू नो फ्लर्ट करते हुए दिखी गई, उनके साथ रहती थी, फिर कभी उनका झगड़ा होता था। सलमान खान जब भी होस्ट करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करके सब लोग, कितना भी वो चिल्लाते हैं या कुछ भी बोलते हैं, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करके वहाँ बैठे रहते हैं, उनकी बात सुनते और समझते, और वो उन्हीं के रिगार्डिंग उनके घर के सदस्य जितने भी होते हैं उनके लिए ही बताते हैं, बाहर की चीज़ें यू नो बताते कि वो कैसे दिख रहे कैसे नहीं, और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करके वहाँ से भी उठ जाना, गेम को जो भी मतलब गेम होता है या टास्क होता है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना। तो ये किसी भी चीज़ मतलब उनकी पर्सनैलिटी किस चीज़ में दिखेगी, गेम में पार्टिसिपेट करती, लोगों के साथ बैठती तो कुछ दिखता, हमेशा रोती रहती थी। पिछले हफ्ते भी जो गया है उसमें भी वो बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। जब सलमान खान ने पूछा तुम्हें रुकना है कि नहीं, तो बोल देती कि मैं चली जाती, जैसे सलमान खान ने पूछा बोली हाँ मुझे रुकना है। फिर उसके बाद जब सलमान खान नाम लिए, मतलब एक सलमान खान ने झूठा ही नाम लिया कि खानजादी तुम्हें तुम्हारा हो गया, तुम अब जाओगी, तो ऐसा रिएक्शन था, वाह मैं अब जाना चाहती हूँ, एक हैप्पी वाला रिएक्शन था। बाद में सर ने सना खान का नाम लिया तो फिर वो ये मतलब डिसअपॉइंट वाला उन्होंने दिखा रही थी कि नहीं यार मेरा नाम आना चाहिए था, तो पहले ही बोल देते ना कि मुझे जाना है। और फाइनली अब उनको बाहर आने का मौका मिल गया है, जब वो बाहर अभी आ चुकी ना तो उनको पता चलेगा कि बिग बॉस की अहमियत क्या है, कितने एक्टर्स होते हैं, कितने लोग होते हैं जो बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, यू नो गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और बाकी लोग अपना सब कुछ 100% दे रहे। एक खानजादे थी जो ना गेम में पार्टिसिपेट करती थी, ऑडियंस ये बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती है, कोई भी हो अगर उनका कोई फैंस भी होगा ना तो वो भी देखना ये पसंद नहीं करेगा कि वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सिर्फ बैठी हुई है। जब वो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगी, दिखेंगी ही नहीं, तो कैसे कोई उन्हें पसंद करेगा और कैसे उनकी पर्सनैलिटी बाहर निकल के आएंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगती है कि खानजादी डिजर्व नहीं करती थी, और अभी जो उनके साथ हुआ है वो फेयर ही है, और आई थिंक वो भी बहुत खुश होंगी बिग बॉस के घर से निकल के कि फाइनली वो जो इतने हफ्तों से चाहती थी। सलमान खान बिग बॉस से भी उन्होंने कई बार बोला था, सबसे बोलते रोते हुए दिखी है, तो फाइनली जो उनको मिला है और बाहर अब आ चुके तो हैप्पी होंगी। अब इसके आगे उन्हें क्या करना होगा, बाहर आने के बाद तो उनको ये पता चलेगा कि बिग बॉस की अहमियत और वैल्यू क्या है, और मैं कैसी दिखी हूँ, जब वो अपनी वीडियोज़ देखेगी तो उन्हें पता चलेगा कि वो कैसी दिखती थी बाहर। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे खानजादी का जो इविक्शन हुआ फेयर है या अनफेयर? फेयर था, क्योंकि उनको खुद बाहर जाना था, ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने कितना इस बात का मुद्दा बनाया कि उन्हें घर से बाहर जाना है, उस शो को गाली दिया वो जिस शो पे आई थी, जबकि ये सबसे बड़ा रियलिटी शो है, लोग कितने लोग इस पर आने के लिए कितना कुछ ट्राई करते हैं, बट उन्होंने उस शो पे आके शो के डिसरिस्पेक्ट किए इतने, वो भी इतने बड़े लेवल पे। और बात करें उनके गेम की तो कुछ ज़्यादा अच्छा गेम था नहीं, स्टार्ट में वो बहुत अच्छा खेल रही थी, जब उनका और अभिषेक का जो बॉन्ड दिखाया गया वो काफ़ी प्यारा, लोगों को पसंद भी आया था, फिर उनके बाद और भी वो मुद्दों में शामिल होने लगी, गेम अच्छा खेल रही थी, फिर उनका वो जो हेल्थ वाला इशू उन्होंने क्रिएट करना शुरू किया कि लोग उनके हेल्थ का मजाक बढ़ा रहे हैं, उस बात को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करके बहुत ज़्यादा ऐसे उनको लगा कि शायद फुटेज मिलेगी या फिर क्या पता नहीं, पर वो फुटेज के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रेच कर दिया। उसके बाद उनका गेम दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया है, और फिर उनका जो मेन मुद्दा है उनको घर से बाहर जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो इसलिए गेम अपना नहीं खेलना चाह रही थी क्योंकि उनको घर से बाहर जाना है, इसलिए वो अपना आप गेम दिखाना उन्होंने बंद कर दिया है। और वही बात, उनको बाहर जाना ही था तो वो अच्छे से मतलब जाती सलमान खान के साथ, कितना लोगों को वो गाइड करते हैं, उसके बाद कितना उन्होंने समझाया खानजादी को, कितना समझाया स्टार्ट से उनको बहुत गाइड किया है उन्होंने, सलमान अभी तक वो सबको गाइड करे पर उन्होंने सलमान की भी डिसरिस्पेक्ट की, उनके सामने उठकर चली गई वो। और फिर जब सना वाली बात आई तो पहले उनका नाम सलमान खान ने लिया था, उस बात से वो काफ़ी खुश नजर आए, तो अभी उनका बाहर जाना शायद सही है। ओके, इसे जानना चाहेंगे कि अगर खानजादी बाहर नहीं आती तो उनके बिहार पर कौन बाहर आ सकता था, मतलब उनको छोड़ के कौन? तो खानजादे के अलावा और भी घर में दो लोग हैं जो मुझे लग, तीन लोग हैं एटलीस्ट, उनका गेम मुझे बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है, जैसे कि नील है, उनका कोई इंडिविजुअल गेम नहीं दिख रहा है मुझे, रिंकू का कोई इंडिविजुअल गेम नहीं दिख रहा है, और रही अरुण का कोई इंडिविजुअल गेम नहीं दिख रहा है मुझे। अरुण का जब तक तहलका थे उनका गेम बहुत सही लग रहा था, उनका जो फन बंटर था दोनों का साथ में वो अच्छा लग रहा था, बट अब उनके जाने के बाद अरुण का गेम बिल्कुल ही बंद हो गया है। रिंकू जी का उनका कोई ऐसा गेम दिखता नहीं है, बट वो लोगों को एडवाइस देती हुई देती रहती हैं हमेशा से, और मतलब मैच्योर गेम खेल रही है पर उनका वो गेम ऑडियंस को दिख नहीं रहा है, वो फुटेज नहीं दिख रही है उनकी,
और रही बात नील की, तो उनका ऐश्वर्या के अलावा और कोई गेम है ही नहीं, पूरा टाइम बस ऐश्वर्या के साथ। सुबह उठे वो ऐश्वर्या के साथ दिखते हैं, अकेले दिख नहीं रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि अगर एक दिनों में रिंकू जी का जाना चाहिए था, अगर रिंकू जी नॉमिनेटेड होती तो। ओके, आपसे जानना चाहेंगे खानजादी का जो इविक्शन हुआ फेयर था या अनफेयर था? मुझे लगता है अनफेयर है, बिकॉज खानजादी बिग बॉस में काफ़ी अच्छा खेल रही थी। यू नो, जब उसे इम्यूनिटी का गेम था तो उसको कुछ बनाया भी गया था, उसमें भी उसने सबसे अच्छे से बात की। यू नो, अंकिता से भी वो मतलब डिबेट भी किया, उसने सबसे किया, बट वो डरी नहीं, मतलब सबने उसको दबाने की कोशिश की बट वो दबी नहीं। वो इतना गेम अच्छे से खेले जा रही थी, सभी के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, मतलब कहीं भी वो ऐसा नज़र नहीं आया कि वो किसी से डर रही है। मतलब गेम तो गेम में तो वो लॉयल ही थी, किसी से फ्रेंडशिप रखना, और मतलब पीठ पीछे वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चुगलियाँ करती थी, नहीं, मतलब जो है वो मुँह पे बोलती थी। मुझे लगता है कि बाकी घर वाले भी जिस तरीके से गेम खेल रहे, उनके गेम के मुकाबले तो खानजादी अच्छा ही खेल रही थी, और कहीं ना कहीं खानजादी को लेके काफ़ी मुद्दा भी उठाते थे कि ये ऐसी है वैसी है। अक्सर लोग उसी पे उंगली उठाते हैं कि जो कमज़ोर होता है गेम में, तो उनको लगा था कि खानजादी स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से सब लोग कम्युनिटी बनाए या फिर एक प्लानिंग के तौर पर अब इसे निकलवाएं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपसे जानना चाहेंगे खानजादी का जो इविक्शन हुआ फेयर था या अनफेयर था? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनका इविक्शन हुआ ये फेयर था, उसका एविक्शन ना बहुत ज़्यादा फेयर था, बिकॉज जैसे वो बिग बॉस में रहती थी जिसका गेम प्ले था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो हर टाइम पे बस रोती रहती थी अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके। एंड आपने देखा रहेगा कि उन्होंने मोस्ट ऑफ टाइम सलमान सर को गाली देती हुई नजर आई हुई है, वो बिना मुद्दों के बिग बॉस में लड़ती रहती थी। उनका कोई मोटिव नहीं था कि बिग बॉस जीतना, उन्हें सिर्फ ये मोटिव था कि बस बिग बॉस में सबसे झगड़ा करना है। और आपने ये भी देखा रहेगा कि अभिषेक और उनका कुछ बॉन्डिंग भी स्टार्ट हुआ था, जो कि टोटली अनफेयर था अभिषेक के साथ। उन्होंने सिर्फ एक गेम खेलने के लिए गेम प्ले किया था, उनका कोई भी रिलेशनशिप वो पक्का नहीं था, बस गेम के लिए उन्होंने अभिषेक के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया था, अदरवाइज उनका कोई रिलेशनशिप का मतलब नहीं था। एंड वो मोस्ट ऑफ ना अपने हेल्थ को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती थी, वो हमेशा कहती रहती थी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इश्यू है। अगर उन्हें कोई उसके हेल्थ के बारे में कमेंट कर दे तो उन्हें गुस्सा आ जाता था, जबकि गलती उन्हीं की थी, आप क्यों अपने बारे में बता रहे हो सबको। एंड वो हमेशा कहती रहती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे एलिमिनेट करो, मुझे घर जाना है। आपने देखा रहेगा वो वॉशरूम में जाके चिल्ला के भी रो रही थी कि मुझे घर जाना है, आई डोंट वांट टू प्ले, मुझे घर जाना है सलमान सर, मुझे घर भेजिए। तो नाउ एलिमिनेशन वो एकदम फेयर था, उन्हें घर जाना चाहिए था, वो घर गई भी। एंड आपने देखा भी रहेगा कि वो बहुत लो थी, उनको हमेशा सब काम में पीछे रखा जाता था, बिकॉज वो कभी एक्टिव थी नहीं, सिर्फ अभिषेक को मतलब गेम प्लेन करके सिर्फ दिखना चाहती थी। और जब अभिषेक ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया तो कहीं नजर भी नहीं आती थी घर में, बिना मुद्दों को सिर्फ अंकिता से लड़ना, अभिषेक से झगड़ा करना, वो बहुत लो थी, बहुत वीक थी, जिस वजह से उनका घर जाना बिल्कुल फेयर था। हेलो, ओके, आपसे जानना चाहेंगे खानजादी का जो इविक्शन हुआ फेयर था या अनफेयर था? मेरे हिसाब तो अनफेयर था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खानजादी काफ़ी स्ट्रांग थी, स्टैंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी, उसको मुझे लगता है मेकर्स की कोई चाल थी या कुछ था, इसकी वजह से निकाला, क्योंकि मोस्टली वो अपना वो बता रही थी कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, उस चीज़ पे मत बात करो, फिर भी हर हफ्ते उसी चीज़ को निकालना, बार बार उसी चीज़ को, मेकर्स का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता। बट उसके रिलेशन भी अच्छे थे, अंकिता विक्की के साथ, अभिषेक के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। मेरे ख्याल से इस हफ्ते जितने भी नॉमिनेट हुए थे उसमें नील को निकलना चाहिए था, नील काफ़ी मतलब दिख भी नहीं रहा है, बस अपने वाइफ के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, कुछ इतना उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। और मतलब उस बोलो, और जैसे बहुत सी चीज़ें मैं देखी, खानजादी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड ले रही थी, कुछ भी मतलब घर से रिलेटेड हो या कुछ भी टास्क से रिलेटेड हो, टास्क भी बहुत अच्छा परफॉर्म्स कर लेती थी, और मतलब वो बोल भी दे रही थी मेकर्स को या सलमान को, वो जवाब भी दे रही थी। मुझे लगता है ये चीज़ें उनको पसंद नहीं आई, उनके हिसाब से वो नहीं चल रही थी, इसके वजह से शायद वो लोग ने निकालने की कोशिश किया उसको कि करते, बट मुझे नहीं लगता उसको कम वोट मिला होगा, वो वोट्स के आधार पे निकल रही है, शायद कोई प्लान भी हो सकता है मेकर्स का। और मेरे फेवरेट तो मुनावर है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और मतलब वो अच्छा कर भी रहे हैं, और इस हफ्ते भी उनके पर्सनल
इश्यूज को निकाल कर इतना एलोबरेट करके क्यों क्या कर रहे हैं मेकर्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को लाते बाहर से बताते हैं कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ है, ये सब चीज़ें तो गलत है। पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए जब आप मतलब कर रहे हो तो, क्योंकि वो भी नहीं जा रहा है किसी के पर्सनल लाइफ में, तो आप मतलब उसकी शादी बच्चे, और अगर वो अपने फैमिली की गरीबी के बारे में बता ही रहे तो इसका प्रॉब्लम क्या है? उसने उस शो पे बताया था, अब इस शो पे बता रहा है, तो वो इस शो की जनता को बताना चाहता है, इसकी वजह से वो बता रहा है। मेन रीज़न हो सकता है उसका। ओके, तो आपको क्या लग रहा है, जैसे ईशा समर के साथ हुआ, ईशा के करण बॉय भी समर को ला दिया, वैसे ही मुनव्वर के साथ भी उनकी कुछ आयशा को लाकर कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे भी शायद यही लग रहा है, क्योंकि ये उन लोगों का गेम प्लान चल गया था, और अभी देखा जाए तो उनका TRP थोड़ा लो हो चुका है, तो इस हिसाब से भी वो लोग ये सब करना चाहते हैं शायद, कि मतलब जो है मतलब उन लोग मेकर्स का प्लानिंग होगा कि वही एक्स वैसे ही मतलब लाए, जैसे एक्स कंटेस्टेंट्स के साथ हो चुका है, ईशा समर्थ अभिषेक का जैसा हुआ, तो वो लोग सोच रहे हैं कि अभी मनारा भी मतलब सोचती है इर्द गिर्द घूमने का, तो वो सोच रहे किसी को बाहर से लाए, आयशा शायद, पता नहीं कौन है, क्या रिलेशन है मुझे तो नहीं पता, बट उस हिसाब से तो वही लग रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो, हाय, आपसे जानना चाहेंगे खानजादी को जो घर से बेघर कर दिया गया, तो आपके हिसाब से गलत था या सही था? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ, खानजादी को निकाल दिया, उनका स्टैंड भी बहुत अच्छा था, तो उनके जगह पे नील को निकालना चाहिए था। तो ये खानजादी बहुत अच्छा गेम भी खेलती थी, नील का तो कुछ स्टैंड दिखता भी नहीं है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुनव्वर। Okay, मुनव्वर का गेम आपको कैसा लग रहा है? मुनव्वर का गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या है, बिग बॉस उसका भी गेम खराब कर दिए हैं फारूकी को लाके। बिग बॉस ने मुनव्वर फारूकी का गेम खराब कर दिया एकदम, वो खेलने में भी अच्छा भी था, तो अभी क्या हो,